Good morning, student. Today we learn chapter number 6, standard 3rd train. आज मैं आप लोगों को standard 3rd का chapter 6 सिखाने वाली हूँ. Poem है, उसका नाम है train. Okay. Over the mountain, over the plain, over the mountain, over the plains, over the river, हर कम द ट्रेन. अब हमें ट्रेन के बारे में दिखाया बताया गया है पोयम में कि जब ट्रेन आती है तब कहाँ से आती है. माउंटेन में से आती है, प्लेन्स से आती है, रिवर्स में से आती है, जमीन में से, पानी में से, पहाड़ों के बीच में से, वैसे हमें ट्रेन पास होती है. ओके. कैरिंग द पैसेंजर, कैरिंग द मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रेशर लोड इन विदाउट फेल. अब पैसेंजर्स को लेके आती है. बहुत से क्या है, ट्रेन है, सिर्फ सामान लेके आती है. मेल इट मीन्स सामान. ब्रिंगिंग देयर प्रेशर्स लोड, उसके अंदर बहुत सा लोड्स होता है, हैवी होता है. इन विदाउट फेल, और वो अच्छे से तो भी आ जाती है. थाउजेंड ऑफ हाइकर्स ऑल रशेस ऑन थॉट डे डार्कनेस थॉट डार्क एंड डाउन. अब इसमें क्या बताया है कि थाउजेंड्स ऑफ फेयर हाइक कार्स, इट मीन्स कि बहुत सारा, थाउजेंड से भी ज़्यादा ऐसे सामान लाती है, लोड लेके आती है, रशेस लेके आती है. दिन में लाती है, डे और डार्कनेस में, रात में भी लेके आती है. थॉट डार्क एंड डाउन, डार्क एंड डाउन का मतलब क्या है, सुबह भी आती है, रात को भी आती है. ओके. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the rains. It means सुबह माउंटेन्स में से आती है, प्लेन से आती है, रिवर्स से आती है. ट्रेन बहुत सी जगह से पास होकर आती है. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी. ओके. अब हम क्या देखेंगे, इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे. ओके. माउंटेन, माउंटेन का मतलब क्या होता है, पहाड़. पैसेंजर का मतलब होता है जो लोग ट्रेन में बैठते हैं वो. रिवर्स इट मीन्स नदी. ओके. ब्रेडशर्स का मतलब होता है हैवी ऑशंस. मील यानी सामान, बहुत हैवी सामान होता है वो. प्लेन्स का मतलब होता है सुबह. डस का मतलब है सुबह. डाउन का मतलब है शाम. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पोएम कैसी लगी है वो मुझे बोलना. और पोएम अच्छी लगी है, पोएम है भी बहुत अच्छी, ट्रेन के बारे में दिखाया गया है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.